सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू पेमेंट आ चुका है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यूट्यूब के पेमेंट के बारे में वीडियो है। तो बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी गलती होंगी तो सॉरी। और चलो आज वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा यूट्यूब पेमेंट आ चुका है, और कितना आया, कहाँ से आया, कैसा आया, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो करना परेशान हो वीडियो को। तो जो मेरा YouTube चैनल है, तो 2017 में स्टार्ट किया था मैंने, मजाक में स्टार्ट किया था। तो ऐसा कुछ भी स्पॉन्स नहीं था, और वीडियो भी नहीं डालता था मैं, कुछ भी डाल देता था तो मेरा चैनल बना हुआ था। और जब मैंने स्टार्ट किया था YouTube, वो शायद 2018 की बात है। तो मैंने धीरे धीरे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो ग्रोथ बढ़ते गई, और मुझे कुछ भी नहीं पता था YouTube के बारे में कि पेमेंट वगैरह भी आता है। मजाक में डालना स्टार्ट कर दिया था, पेमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बस मुझे लगता था कि वीडियो वायरल होती है, लोग देखते हैं, बस इतना ही पता था मुझे। तो चलो ऐसे डालते गया, कॉमेडी डालते गया, कुछ भी मजाक वीडियो डालते गया, धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलते गया। तो बीच में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, और तो फिर मैंने 2019 में एक दो वीडियो ब्लॉग भी देखा मैंने। फिर उसमें पता चला माय फर्स्ट पेमेंट बहुत वीडियो वायरल थी उस समय में। तो फिर मुझे कुछ अच्छा लगा, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। मैं बोला क्यों नहीं कर सकता ये सब। तो फिर मैंने भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, पर मेरे लिए बहुत हार्ड था ब्लॉग बनाना, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात को 12-1 बजे सोता हूँ। तो कभी 2 भी बज सकते, कभी 3 बज जाते, कभी 4 बज जाते, मेरा सोने का टाइमिंग नहीं है। और उठने का टाइमिंग 6-7 बजे तो है, क्योंकि मुझे जिम जाना पड़ता है सुबह सुबह, और 8:30-9 बजे जिम से आके काम पे जाना पड़ता, नहाने तक तो समय नहीं मिलता मुझे। तो मैं ये सोचा कि कोशिश करता हूँ, और मैंने कई सारी वीडियो बनाया वो ब्लॉग की, तो आप देख सकते हो उसमें। तो मेरे लिए बहुत हार्ड था काम ये, और मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया ब्लॉग बनाना। तो उसमें थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स मिलते गया, आप लोगों का प्यार मिलते गया, तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। तो कई सारी मतलब 2-3 वीडियो स्टार्ट हुए, मतलब वायरल हो गए उसमें, तो खासा मतलब अर्निंग अच्छी हो गई थी। तो मेरा जो पहले वाला एडसन्स था ब्लॉग हो गया। फिर मैंने दूसरा एडसन मेरे दोस्त ने बना के दिया, तो वो एडसन आया और मुझे मिला नहीं एड्रेस पे, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम हो गई। वो भी वीडियो बनाया हुआ मैंने, बताया हुआ आप सबको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, किराया रेंट का रूम है, मतलब जो भी मतलब जो हुआ, तो मैंने एक वीडियो बनाया हो तो वो भी देख सकते हैं आप। मतलब रेंट का रूम है तो यहाँ तक के आया तो मिला नहीं, मतलब 2 एडसन नहीं आए, 1 तो पेमेंट चलो ब्लॉक हो ही गया था। फिर मैंने तीसरा एडसन अप्लाई किया दोस्त के घर से, फ्रेंड्स के घर से एड्रेस से, उसके घर पर फैलने 2 एडसन और आ गए, तो एक ही दिन में आए। तो बहुत खुशी था उस दिन का, मतलब क्या ही बोलो, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन। तो फाइनली जब मेरे हाथ में आया, तो मैं थोड़ा सा मन हुआ कि मैं अच्छा और काम करता हूँ, ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलो फिर जब मैंने स्टार्ट किया उसको, थोड़ा थोड़ा और रिस्पॉन्स मिलते गया, पर बीच में ऐसे ऐसे काम आ गए, धीरे धीरे आदतें छूट गई, वीडियो बनाना छूट गया मेरा। तो ऐसा मेरा था। और जो मेरा यूट्यूब का पेमेंट है, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब छोटी रकम है, लेकिन बहुत है, मतलब कोई ऑनलाइन बोले तो छोटी रकम बहुत है। तो फाइनली बता ही देता हूँ, ये गेमो मोबाइल ले सकते हो, छोटा सा कोई भी समझ सकते हो, बताना तो सही नहीं लगता, फिर भी 1-9 के बीच में पकड़ सकते, इतना मेरा अमाउंट आया है। तो फाइनली बहुत ही ज़्यादा है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, जो पहला पेमेंट है तो बहुत ही अच्छा है। बस यही छोटा सा एक वीडियो था कि मैं बना दूँ आप सभी के लिए, तो आप लोगों को भी पता चले कि यूट्यूब से क्या कमाई है। मैंने लोग की कमाई है नहीं, पर वर्ड हो जाता है थोड़ा बहुत खर्चा पानी के लिए। तो मेरा पहला पेमेंट आ चुका है, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी अच्छे अच्छे वीडियो कॉन्टेंट के साथ। थोड़ा हफ्ते में एक ही ब्लॉग आएगा, पर बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।